हे गाइस वेलकम बैक, कैसे हो। आज की इस वीडियो में मैं आज को एक और जबरदस्त टॉपिक लेकर जहां पर हम रैंक करने वाले हैं पांच बेस्ट फाइट्स फ्रॉम डीमन स्लेयर। वेल मैं पहले ही बता दूं, इस वीडियो में दो से तीन फाइट्स मांगा से होने वाला है, तो अगर आपने अभी तक मांगा नहीं पढ़ा हो तो भाई आपको स्पॉइलर होगा। और हाँ, इस वीडियो में मैं इन पांच के अलावा और भी दो फाइट्स को इंक्लूड करने वाला हूं जो कि बहुत अच्छा है लेकिन इस लिस्ट में नहीं आ पाए। तो हाँ, वीडियो को शुरू करते हैं विद रैंकिंग नंबर फाइव। तो नंबर फाइव पे मैं रखना पसंद करूंगा रेंगोकू वर्सेस अकाजा, जो कि मुगेन ट्रेन आर्क में चला था। वेल ये फाइट दूसरे फाइट्स की तरह हैप्पी एंडिंग से नहीं बल्कि सैड एंडिंग से खत्म होता है, क्योंकि हमारा फ्लेम हशीरा रेंगोकू इस फाइट के एंड में मर जाता है। एक अकेला रेंगोकू लड़ता है एक अपर रैंक 3 डीमन अकाजा के साथ। वेल ये सिर्फ अकाजा के साथ लड़ नहीं रहा था बल्कि बाकी पैसेंजर्स को भी बचाना था। एट द एंड इसे ये मेक श्योर करना था कि कोई भी पैसेंजर मरे ना। वेल ये कोई भी पैसेंजर को मरने नहीं देता है लेकिन आखिर में खुद मर जाता है। वेल अकाजा अभी थोड़ी देर में मर जाता था सनलाइट की मदद से, लेकिन लकीली वो बच के भाग निकला। तो हाँ, अभी बढ़ते हम रैंकिंग नंबर फोर पे। तो नंबर फोर पे मैं रखना पसंद करूंगा ग्यूतारो एंड दाकी वर्सेस टेंगेन तांजिरो ज़ेनित्सु एंड इनोस्के। ये फाइट चला था एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में एंड इसके विजुअल सच बता रहा हूँ ना, बहुत ही खतरनाक थे। मेनली ग्यूतारो वर्सेस टेंगेन जो फाइट चला था बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। इसी फाइट के बीच जब ज़ेनित्सु दाकी के साथ लड़ रहा होता है हमें गॉड स्पीड देखने को मिला था। इसी फाइट के एंडिंग में टेंगेन बहुत बुरी तरीके से पॉइजन हो जाता है लेकिन हमारे नेज़ुको चैन की मदद से सब कुछ ठीक हो जाता है। वैसे इस फाइट का एंडिंग हैप्पी जरूर था लेकिन हमारा साउंड हशीरा टेंगेन उज़ुई रिटायर हो जाता है। So, हाँ, अभी बढ़ते हम रैंकिंग नंबर थ्री पे। तो नंबर थ्री पे मैं रखना पसंद करूंगा गियू एंड तांजिरो वर्सेस अकाजा, या बोलूं अकाजा। इस फाइट में बहुत ही सारे जबरदस्त चीजें होते हैं। पहले तो गियू अपना डीमन स्लेयर मार्क को भी अवेकन कर लेता है, और तो हमारा तांजिरो भी बहुत ही सारे सन ब्रीथिंग के टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन एक टाइम पे ऐसा होता है कि अकाजा गियू का स्वॉर्ड तोड़ देता है। जी हाँ, इस फाइट में एक हशीरा का स्वॉर्ड तोड़ जाता है। और तो इसी फाइट में हमें अकाजा के पास्ट मेमोरीज भी दिखाए जाते हैं जिसे याद करके अकाजा सुसाइड कर लेता है। और तो ये फाइट जैसे ही खत्म होता है वहीं के वहीं गियू एंड तांजिरो बेहोश हो जाते हैं, जिसका मतलब एक वाटर हशीरा गियू एंड तांजिरो जिसने बहुत ही सारे अपर मून्स के साथ लड़ा है, वो दोनों मिलके भी अकाजा को हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन रहा। तो हाँ, अभी बढ़ते हम रैंकिंग नंबर टू पे। तो नंबर टू पे मैं रखना पसंद करूंगा डीमन स्लेयर्स वर्सेस कोकुशिबो। वेल ये फाइट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इतना अच्छा है कि इस फाइट को थोड़े लोग नंबर वन पे रखते हैं। और तो इसी फाइट में हमारा सानेमी अपना डीमन स्लेयर मार्क को भी अवेकन कर लेता है। और तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कोकुशिबो का पास्ट भी इसी फाइट के बीच दिखता है। और ये फाइट खत्म होने के बाद ही हमारा मुइचिरो मर जाता है, और तो सानेमी भी बेहोश हो जाता है एंड गेनिया भी मर जाता है। जैसे ही गेनिया मर रहा होता है सानेमी अपना आंखें खोलता है एंड गेनिया के फाइनल वर्ड सुनता है, जिसे सुनने के बाद सानेमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड हमारा गियो में उसे आके रोकता है एंड कहता है अभी मुजान किबुत्सुजी बचा है। अपर रैंक वन को हराने के बाद सिर्फ दो ही लोग बचते हैं, गियो में एंड सानेमी। तो हाँ, अभी बढ़ते हम रैंकिंग नंबर वन पे। तो नंबर वन पे मैं रखना पसंद करूंगा डीमन स्लेयर्स वर्सेस मुजान किबुत्सुजी। वेल इस फाइट में बहुत ही सारे खतरनाक चीजें हुई, जहाँ पे मुजान तमायो का स्कल फोड़ देता है और उसे मार देता है। और तांजिरो भी मुजान के पॉइजन से मर रहा होता है। उबनाई का फेस भी रिवील होता है। उबनाई अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करता है एंड साथ ही ब्राइट रेड नीचरिन स्वॉर्ड भी। फिर बहुत ही बड़े फाइट के बाद आखिरकार मुजान मर जाता है सनलाइट की वजह से, और इसी तरह मुजान की कहानी खत्म होती है एंड हमारी वीडियो भी। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, और भी दो फाइट्स को इंक्लूड कर रहा हूँ जो कि इस लिस्ट में तो नहीं आ पाए लेकिन बहुत ही अच्छे फाइट्स थे। वो थे ज़ेनित्सु वर्सेस काइगाकू एंड रूई वर्सेस तांजिरो एंड नेज़ुको। वेल डीमन स्लेयर में ऐसे और भी कई ज्यादा फाइट्स है, अगर मैंने कोई अच्छा फाइट सीन मिस कर दिया ना तो मुझे कमेंट्स में बता देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।